यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुश आमदेद कहता हूं। सुबह आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। हमारा आज का मौजू जो है खुदाम खुदा का घर, और उस सिलसिले में आज हमारा ये चौथा सेशन है, चौथा प्रोग्राम है जिसका मौजू है खुदाम खुदा के घर का एहतराम। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज वकारब को दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सुमरसीजो आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मेरे अजीजो, जब भी आप खुदाम खुदा के घर में जाएं तो इस बात को मालूस खातर रखें कि खुदाम खुदा का घर जो है वो बड़ी इज्जत और एहतराम की जगह है। खुदाम खुदा के घर का तकद्दस जो है उसको अपनी आंखों के सामने रखें। नंबर एक, खुदाम खुदा की इबादत खुशी के साथ करें। नंबर दो, खुदाम खुदा की इबादत ताजीम और संजीदगी के साथ करें। मेरे साथ मिलकर निकालें जबूर की किताब और उसका 122वां जबूर है और उसकी आयत मुबारक का पहली, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदाउन खुदा के घर में चले। मेरे अजीजों, जब भी कोई आपको खुदाउन खुदा की इबादत के लिए दावत दे, इनविटेशन दे, तो इस इनविटेशन को खुशी के साथ कबूल करें और खुदाउन खुदा के घर में जब भी जाएं खुशी के साथ जाएं और संजीदगी के साथ जाएं। अबार की किताब और उसका 19वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 30वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम मेरे सब्बतों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना, मैं खुदावंद खुदा हूं। मेरे अजीजो, याद रखें खुदाउन खुदा का घर जो है ये खुदाउन खुदा का मस्कन है। हमने इसकी ताजीम करनी है, हमने इसकी इज्जत करनी है, हमने इसकी रिस्पेक्ट करनी है और खुशी के साथ खुदा के घर में इबादत के लिए जाना है। हिजकिएल नबी का सहीफा और उसका 43वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 12वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिरदा गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। मेरे अजीजों, खुदाम खुदा का घर जो है वहां पर खुदाम खुदा की हजूरी होती है और वो जगह मुकद्दस है, पाक है, पकीजा है। इसलिए हमने जब भी खुदाम खुदा के घर में इबादत के लिए जाना है, बड़ी संजीदगी के साथ और खुशी के साथ और इज्जत एहतराम के साथ खुदा की हजूरी में हमने हाजिर होना है। जब हम वाज की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का पहली का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब तू खुदाउन खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शनवा होने के लिए जाना अहमकों के से जिबिये गजरानने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी आप खुदाउन खुदा के घर में जाएं, जब भी आप खुदाउन खुदा की इबादत के लिए खुदा के घर में हाजिर हों, तो आप बकायदा तैयारी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ खुदाउन खुदा के घर में दाखिल हों। खुदा के घर का तकद्दस जो है उसको कभी भी पमाल ना करें। दूसरी बात, खुदाउन खुदा के घर के एहतराम के तलक से, जब भी आप खुदाउन खुदा के घर में जाएं तो पाक आराइश के साथ
यानी कि आपका लबास जो है, आपका पहनावा जो है वो मुनासिब आपके बदन पर नजर आए। जबूर की किताब और उसका 29वां जबूर है और उसकी आयत मुबारक दूसरी, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा खुदा की ऐसी तमचीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदा खुदा को सजदा करो। आपकी पहनावा, आपकी आराइश ये पाक और पकीसा होनी चाहिए। सुबह सीसो आपका लबास पकीजगी का लबास हो, आप बदरी तौर पर भी पाक और साफ हो, आप जहनी तौर पर भी पाक और साफ हो, और फिर आपका लबास भी अच्छा और खूबसूरत होना चाहिए। जबूर की किताब और उसका जबूर नंबर 96 है और उसकी आयत मुबारक का नामी, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पाक आराइश के साथ खुदा खुदा को सजदा करो। मेरे सीसो, लफ्ज सजदा जो है इसका मतलब और मीनिंग है खुदा खुदा की इबादत करना। और बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि हम पाक आराइश के साथ यानी पकीजगी की हालत में खुदा खुदा के हसूर उसकी इबादत करें। फिर इसी तरह तवारीख की पहली किताब और उसका 16वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 29वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा खुदा की ऐसी तमचीद करो जो उसके नाम के शाया है। सो इसी तरह खरूज की किताब और उसका 28वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 40वीं से लेकर आयत मुबारक 43वीं तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और तू उनके लिए कतान के पजामे बना देना ताकि उनके बदन ढके रहें, ये कमर से रान तक हों। मेरे सीसो, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनवाई करती है कि हमारी इबादत के दौरान पाक आराइश होनी चाहिए, हमारा लबास जो है वो ऐसा लबास हो जिससे खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। फिर इसी तरह नंबर 3, खुदा के घर के एहतराम के लिए जरूरी है कि खुदा के घर में गैर जरूरी बातों से परहेज करें। वाजनबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक 2, बोलने में जल्दबाजी न कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा उन खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा उन खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इससे तेरी बातें मुख्तसर हों। मेरे सीसो, जब भी आप खुदा के घर में जाएं तो वहां पर गैर जरूरी बातों से ग्रेज करें। सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर में उसके घर का एहतराम करते हुए सिर्फ वहां पर इबादत करें, प्रस्तुति करें, हमद करें, सताइश करें और खुदा के कलाम की तालीम हासिल करें। फिर नंबर 4, खुदा खुदा के घर के एहतराम के लिए जरूरी है कि खुदा के कलाम की तालीम पर तवज्जो करना। वाजनबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब तू खुदा उन खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शनवा होने के लिए जाना अहमकों के जिबिये गुजरानने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। मेरे सीसो, जब भी आप खुदा के घर में जाएं तो खुदा के कलाम की तालीम हासिल करें। 5वें नंबर पर खुदा खुदा के घर का एहतराम, खुदा के घर में खुशी के साथ दायकी और बेहतरीन हदिया पेश करें। खुरूज की किताब और उसका 34वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 20, और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। मेरे जीजो, यहां पर खुदा खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल से कहा कि जब भी तुम मेरे हसूर इबादत के लिए आओ, जब भी तुम मेरी हसूरी में मेरे दीदार के तालब हो, तो खाली हाथ कभी ना आना। मलाकी नबी का सहीफा
और उसका तीसरा बाब और उसकी दसवीं आयत बड़ी मशहूर और मरूफ आयत मुबारक का है, पूरी दाया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा हमतियान करो। रब अल्फाज फरमाता है कि मैं तुमको आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। फिर इसके साथ साथ मेरे सीसो पुलुस रसूल क्रंथस की कलिसिया को दूसरा खत लिखते हुए उसके नामे बाब के अंदर उसकी छवीं और सातवीं आयत मुबारक के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरे करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। मेरे सीसो जब भी आप खुदावंद खुदा के घर में जाएं, कभी भी खाली हाथ ना जाएं। खुदा के हजूर बेहतरीन हदिया खुदा के हजूर पेश करें। खुदा के घर के एहतराम के लिए छेवें नंबर के ऊपर जो पॉइंट है वो है खुदा के घर में आजजी इंकसारी के साथ अपने आप को हलीम करते हुए और खुदा खुदा के दीदार के तालब होने के लिए जाएं। आपकी ख्वाहिश हो कि आज मैं खुदा खुदा के हजूर जा रहा हूं और वहां से मैं खुदा खुदा से अल्लाह ही बरकात रसीव करके अपने घर में वापस लौटूंगा। मेरे साथ मिलकर तवारीख की दूसरी किताब और उसका सातवां बाब और उसकी आयत मुबारक चौदहवीं का मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। तवारीख की दूसरी किताब और उसका सातवां बाब और उसकी आयत मुबारक चौदहवीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे सीसो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहाली आए, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को खाकसार बनाकर खुदा के दीदार के तालब हो जाए और फिर अपनी बुरी राहों को छोड़ दें, तरक कर दें और जो भी आप खुदा खुदा के हजूर से मांगेंगे खुदा आपके लिए दोबारा बहाल कर देगा। लुका तबीब की बार पर लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब और उसकी आयत मुबारक 10वीं से आयत मुबारक 14वीं के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना बीना चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनेगार पर रहम कर। यहां पर हमें एक तस्वीर पेश की गई है कि उसने अपने आप को खाकसार बना लिया, उसने अपने आप को हलीम बना लिया और रो रो कर छाती पीट पीट कर उसने खुदा खुदा के हजूर दुआ की और कहा कि खुदावंद मैं तो गुनहगार हूं, मुझ पर रहम कर। मेरे सीसो उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब भी आप खुदा के घर में जाएं तो अपने गलतियों का खताओं का इकरार करें। तो मेरे सीसो बाइबल बयान करती है, मैं जो आसमान पर तख्त नशीन हूं मैं आपकी दुआ को सुनूंगा और आपकी मुश्किल परेशानी को आपकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। सो मेरे सीसो सातवीं बात खुदा खुदा के घर के एहतराम के तलक से, जब भी खुदा के घर में इबादत के लिए जाएं तो वहां पर दिखावे की इबादत के लिए ना जाएं, वहां पर रियाकारी की इबादत के लिए ना जाएं। मत्ती की इंजील उसका छेवां बाब और उसकी आयत मुबारक पहली से लेकर आयत मुबारक 18वीं तक आप तलावत कर सकते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खबरदार अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बहुत सारे लोग जब भी खुदा के घर में जाते हैं, जब भी इबादत में जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की इबादत करते हैं।
बहुत से लोग तो बाज़ोकात स्टेज पर बार बार जाते हैं, पादरी साहब के पास बार बार जाते हैं ताकि लोग जाने कि ये तो बहुत इबादत गुजार है। सुबह अजीजो, मैं यहां पर आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। आप जब भी खुदा खुदा के घर में इबादत के लिए जमा हो, अपने खानदान के तमाम मेम्बरान को साथ लेकर खुदा खुदा के घर में इबादत के लिए जाएं, और जब भी खुदा खुदा के घर में जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। जब भी खुदा खुदा के घर में जाएं खुशी के साथ जाएं, जब भी खुदा खुदा के घर में जाएं तो संजीदगी के साथ जाएं, जब भी खुदा खुदा के घर में जाएं तो इस ईमान के साथ जाएं कि हमने वहां से खुदा के कलाम की तालीम हासिल करने के लिए जाना है। जब भी खुदा के घर में इबादत के लिए जाएं तो वहां पर गैर जरूरी बातों से गुरेज करें। मेरे चीजों, जब आप खुदा खुदा के हजूर अपने आप को हलीम करते हुए खुशी के साथ और बड़े तकद्दस के साथ पाक आराइश के साथ खुदा खुदा की इबादत के लिए जाएंगे तो खुदा आपकी मुश्किल परेशानियों को आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। अगर आप बदनी तौर पर बीमार हैं तो यीशु अपने अगर आप बदनी तौर पर बीमार हैं तो खुदा अपने बेटे के लहू के वसीला से आपकी बदनी बीमारियों को हील कर देगा। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतारते हुए यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारस हो जाए और अपने खानदान के साथ अपनी खानदानी इबादत का हर रोज अपने घर में आगाज करें और फिर सब्बत के दिन अपने खानदान के साथ मिलकर खुदा खुदा के घर में इबादत के लिए बड़े इज्जत एहतराम के साथ जाएं और खुदा खुदा की अलाही बरकात से लुत्फ अंदोज होते हुए इस जिंदगी के सफर को तय करें। खुदा आप सबको अपने खानदान के साथ बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के घर में इबादत करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे अजीज वकारब को दोस्त अहबाब को शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का यह सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी हमारे साथ अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पल चैनल UAE बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।